हाय गाइस, मैं हूं मेघा और स्वागत है आपका परकिमेग्स हिंदी में, जहां बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट बॉटम्स जो कि अगर टमी फैट हो तो आपकी टमी फैट वैसे छुपाते हैं एंड यू नो ओवरऑल आपको अच्छा दिखाते हैं। सो एज यू ऑल नो, मेरा टमी फैट है एंड वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है एंड आफ्टर बिकमिंग मॉमी मेरा टमी फैट और हो गया है। सो ये जो 3-4-5 टाइप के जो मैं आपको बॉटम्स दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छे लगते हैं, दे हाई टमी एंड यू नो ओवरऑल जो है लुक काफी अच्छा लगता है। तो मैं आपको वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ पढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर ऑल द क्विक फन। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Perkymegs। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या अगर टमी फैट है तो एक चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज़ टू वेयर ओनली हाई वेस्ट बॉटम्स, क्योंकि लो वेस्ट बॉटम्स जो हैं वो जो है टमी को और बल्ज आउट करते हैं। तो मैं आपको जितने भी आज बॉटम्स दिखाऊंगी वो सारे हाई वेस्ट बॉटम्स हैं। सो दैट इज़ द नंबर वन मस्ट हैव फॉर टमी फैट। सो पहले तरीका का बॉटम जो बहुत अच्छा लगता है इफ़ यू हैव टमी फैट, एंड दैट इज़ द मॉमी जीन्स। तो मॉमी जीन्स जो है इस तरह की कंफर्टेबल लूज फिट यू नो जीन्स होती है, जो आपकी थाई एरिया से भी लूज होती है, नीचे जाके टेपर होती है एंड ये हाई वेस्ट होती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल फिट जीन्स होती है जो ओवरऑल आपको जो है आप ओवरऑल आपका टमी फैट तो छुपाता ही है, क्योंकि ये हाई वेस्ट होता है एंड कंफर्टेबल फिट की वजह से ये बहुत अच्छा लगता है विद योर क्रॉप टॉप्स एंड ऑल्सो यू लुक रियली स्मार्ट। तो मैं अपनी मॉमी जीन्स के साथ पेयर करती हूँ यू नो अंदर टक इन करके टी शर्ट्स या फिर क्रॉप टॉप्स, वो भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसके ऊपर यू नो सर्दियों में स्वेट शर्ट्स पहन सकते हैं, कोट्स पहन सकते हैं। तो मैं तो ये जो जीन्स है ना, आई गॉट दिस वन फ्रॉम ज़ारा और ये मैं हर जगह पहन रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माई होली ग्रेल। जब से मैंने लिए मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल पजामे वाला कम्फर्ट है एंड ओवरऑल लुक बहुत स्टाइलिश है। एंड थैंकफुली मॉमी जीन्स आजकल फिर से बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो आपको मॉम जीन्स मिलेगी H&M में, ज़ारा में, आपको मिंत्रा में भी मिल जाएगी बहुत ईजिली, अमेजोन पर भी आप ढूंढ सकते हैं एंड आपको सरोजिनी नगर में भी मॉम जीन्स मिल जाएगी। सो जहाँ भी आपको मिले आप कर लो, इफ यू हैव टमी फैट दिस इज ग्रेट फॉर यू। सेकेंड जो टाइप की बॉटम्स है, नॉट नेसेसरली जीन्स बट जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, कोई भी टाइप के हों, उसमें इस तरह का अगेन ये जो वेस्ट है ना, इसको कहते हैं पेपर बैग वेस्ट। ये जो ऐसा श्रिंक सा मिक्स हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पेपर बैग। ये मेरे जीन्स में है पर मेरे पास ऐसे ट्राउजर्स भी हैं, पैंट्स भी हैं और ये सब पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पेपर बैग वेस्ट है ना, इससे क्या होता है, ये आपकी टमी के ऊपर आ जाता है, तो ये आपकी टमी फैट को टोटली हाइड कर देता है एंड आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है। ये जो पेपर बैग वेस्ट है, इसके ऊपर आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, यू नो अंदर टकिंग कर सकते हैं, टॉप, दोनों ही तरीके के जो है चीज़ वो बहुत अच्छी लगती है। सो इस तरह का आपको पेपर बैग वेस्ट जहाँ भी दिखे ना, आप वो ले लीजिए। ये भी पेपर बैग वेस्ट सरोजिनी नगर में आपको बहुत सारे ट्राउजर्स मिल जाएंगे पेपर बैग वेस्ट वाले, और आपको H&M में, ज़ारा में, मिंत्रा, अमेज़न सब पे ही मिल जाएगा, आजियो वगैरह पे। तो ये पेपर बैग वेस्ट के नाम से ढूंढिए, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा एंड दिस इज परफेक्ट फॉर पीपल विद टमी फैट। नाउ जो तीसरे टाइप के बॉटम्स हैं विच आई लव एंड दोज आर इस तरह के ट्राउजर्स। ये किस तरह का ट्राउजर है, ये आगे से है बिल्कुल फ्लैट ट्राउजर, इसमें कोई इलास्टिक नहीं है एंड पीछे से इसमें जो है इलास्टिक है, देख रहे हैं आप। सो इसका जो लुक है ना गाइस, वो इतना स्मार्ट आता है क्योंकि आगे से लगता है बिल्कुल फिटेड ट्राउजर है पर पीछे से इलास्टिक होने की वजह से आपकी जो टमी है इसको ये यू नो थोड़ा सा एरिया दे देता है खुलने के लिए। तो अगर टमी फैट भी है तो भी आपको ये बहुत फिटेड लगता है। तो इस तरह का आप ट्राउजर या पैंट ढूंढिए। ये मैं वाला मैंने H&M से लिया था, तो आपको इस तरह का H&M में अगेन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपको दिखे ऐसा आगे से एकदम फ्लैट और पीछे से इलास्टिक वाला, तो ये आप ज़रूर ऐसा वाला ट्राउज़र बॉटम पहनिए, ये बहुत स्टाइलिश लगता है। मैं तो इसको अपने कुर्तीज़ के साथ, अपने टॉप्स के साथ, इसको अपने क्रॉप टॉप्स के साथ, सबके साथ पहनती हूँ एंड स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग आई लव इट। नाउ नेक्स्ट जो बॉटम्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं इफ़ यू हैव टमी फैट, दोज आर, ये सबको पता है, जेगिंग्स और ट्रेगिंग्स, ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या होती है, बेसिकली जीन्स नहीं होती, क्योंकि जीन्स पहनिए आप टमी फैट ना थोड़ा सा कई बार बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, स्पेशली मुझे अब फिटेड जीन्स इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल सा पेट हो जाता है। तो या तो मैं वो मॉमी जीन्स पहनती हूँ क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है, या फिर ये जेगिंग्स पहनती हूँ। इसमें ट्रेगिंग्स भी आती है जो और हाई वेस्ट आती है, जस्ट अपने आपकी ब्रा के नीचे वो क्लोज होता है, वो ट्रेगिंग्स और हाई होती है। तो मेरी पहली वाली जो जेगिंग्स थी, दोज वर फ्रॉम दिस ब्रांड ओनली जो मैंने लाइफस्टाइल से लिया था, और ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेची एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा। ये मैंने आपको अपने ज़ारा हॉल में भी दिखाया था और ये अगेन मैं विंटर में बहुत अपने स्वेटर्स वगैरह के साथ पहन रही हूँ, बहुत अच्छा जाता है ये। एंड ये जो है बहुत हाई वेस्ट होता है तो ये पूरा फैट छुपा लेता है एंड स्पेशली आई लव
जेगिंग्स इन ब्लैक कलर, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत स्मार्ट लगता है. सो जेगिंग्स आर समथिंग जो आपके वार्डरोब में जीन्स से ज़्यादा होना चाहिए इफ़ यू हैव टमी फैट. एंड नेक्स्ट जो अगर आप लेगिंग्स पहनते हैं, जैसे गर्मियों में आप कुर्तीज एंड लॉन्ग टी शर्ट के साथ पहनते हैं, तो लेगिंग्स भी आप इस तरह की बहुत हाई वेस्ट लेगिंग्स पहनिए. अगर आप जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइजिंग भी करते हैं, तो वो लो वेस्ट वाली लेगिंग्स मत पहनिए नॉर्मल की बजाय. मुझे एक तरह की हाई वेस्ट एक्सरसाइजिंग लेगिंग्स बहुत अच्छी लगती है. सो इस टाइप की आप लेगिंग्स पहनिए. ये आपको अगेन ऑनलाइन बहुत जगह पे मिल जाएगी. दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड ब्लिस क्लब, बट ये बहुत सारे ब्रांड्स में H&M वगैरह में भी अवेलेबल है, आपको जॉकी वगैरह में भी मिल जाएगा. सो इस तरह का हाई वेस्ट लेगिंग्स आप एक्सरसाइजिंग जो लेगिंग्स है वो पहन सकते हैं. एंड लास्ट जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जो मेरा आजकल करंट फेवरेट है, दोज आर हाई वेस्ट जॉगर्स. येस, जॉगर्स बहुत ज़्यादा स्टाइल में है आजकल, और ये जॉगर्स सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह गए या जॉगिंग करने के लिए सीमित नहीं रह गए, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है. तो ये मेरे लेटेस्ट ज़ारा के जॉगर्स जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड इसको मैं पेयर करती हूँ फोल्ड करके विद माय क्रॉप टॉप. तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है. विंटर में आप इसको स्वेटर के साथ पहन सकते हैं, टर्टल नेक, ऊपर से आप एक कोट डाल लीजिए, नीचे से बूट्स डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगता है. ट्रैवलिंग में जो है एयरपोर्ट लुक्स के लिए जॉगर्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो जॉगर्स आर एवरीवेयर, जॉगर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल. इनको आप स्नीकर्स के साथ भी पहन सकते हैं फोल्ड करके. सो जॉगर्स ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. जॉगर्स भी अगेन सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है. दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ारा, बट सारे ब्रांड्स में ही अवेलेबल है. सो गाइस, ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉटम्स टू हाइड टमी फैट. ये सब मेरे ट्रायल एंड टेस्टेड बॉटम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैं सिर्फ यही पहनती हूँ बिकॉज मेरा भी बहुत ज़्यादा टमी फैट है, उसको जाने में टाइम लगेगा, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट इट. सो ये सब पहन के आई फील रियली कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ. सो गाइज, आई होप आपको एक वीडियो अच्छा लगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप इन सब से क्या ट्राई कर चुके हैं और क्या करना चाहेंगे, एंड वॉट इज़ योर बेस्ट ट्रिक टू हाइड टमी फैट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड बस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी और क्विक अपडेट्स के लिए, फैशन पोस्ट के लिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Perkymegs. सो मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.